गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी मैं गंगा स्नान कर लिया हूँ पटना कलेक्ट्रेट घाट पर, और अब यहाँ से हम चलेंगे महावीर मंदिर दर्शन करने हेतु। आ चुकी रामनवमी का पर्व है, तो चलिए देखते हैं यहाँ की रामनवमी पटना की किस प्रकार की होती है। आपने पिछले ही वीडियो में यहाँ का जो सजावट है रामनवमी का वो देख चुका है, तो चलिए अब भगवान महावीर का दर्शन करते हैं। महावीर मंदिर जाने के क्रम में ही हूँ और मुझे गांधी मैदान नज़र आया है मेरे पीछे। अभी आप गांधी मैदान देख पा रहे होंगे, तो चलिए गांधी मैदान भी घूम लिया जाए, उसके बाद हम महावीर मंदिर चलेंगे। तो भाई साहब, अभी मैंने गांधी मैदान में प्रवेश करने की कोशिश की, बट गेट नंबर 6 से मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, वह गेट नंबर 6 अभी फ़िलहाल बंद थी, जहाँ से प्रवेश निषेध था। तो मैं गेट नंबर 54321 किसी से भी पता करता हूँ कौन सी गेट अभी खुली हुई है। तो चलिए आगे मिलते हैं, प्रकार के गेट नंबर 5 है गाइस। तो अभी मैं गांधी मैदान पटना में पहुँच चुका हूँ, और आप मेरे पीछे बापू की देश की सबसे ऊंची मूर्ति देख रहे हैं। और यह मूर्ति अगस्त क्रांति 1942 को दिखाती है। और अब हम यहाँ से चलेंगे महावीर मंदिर और देखते हैं महावीर मंदिर में क्या सीन बनती है। गांधी मैदान हमने घूम ली है और अब यहाँ से वक्त है प्रस्थान करने का। चलते हैं महावीर मंदिर की ओर, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ सीन बनती है। भाई साहब, तो यहाँ आज दर्शन करने हैं तो भीड़ इतनी उमड़ चुकी है कि कतार करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। हम कतार में लग कर आपसे मिलते हैं। तो भाई साहब, फाइनली हम कतारबद्ध हो चुके हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाता है। महावीर मंदिर के दर्शन का वीडियो आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा, जो यहीं से शुरू होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।